2021 में एग्री कमोडिटी की कीमतों पर आए उतार चढ़ाव और रिटर्न पर नजर डालें तो चीनी में 21%, कॉफी में 76%, पाम ऑयल में 3.5%, चावल में 15% और कॉटन में 42% की बढ़त देखने को मिली है। 2021 में कृषि फसलों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, चाहे वे मसाले, ग्वार, प्याज, सोयाबीन, दालें और खाद्य तेल ही क्यों ना हो, सब में अच्छी तेजी भी रही और गिरावट भी। खाद्य तेलों पर हमने सरकार के काफी फैसले भी देखे जिससे खाद्य तेलों में गिरावट भी आई। 2021 में खाद्य तेलों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बात करें अगर दालों की तो दालों में भी शुरुआत में काफी तेजी रही थी, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए दालों पर सरकारी फैसले लिए गए और कीमतों को काबू में लाया गया। प्याज की कीमतें भी तेज हुई थी लेकिन 2020 के मुकाबले कम ही रही। वहीं वर्तमान में प्याज की कीमतें मंडियों में 1 रुपये से लेकर 5 रुपये किलो तक हैं। किसानों से सस्ते में प्याज की खरीदी तो हो रही है लेकिन उपभोक्ताओं को महंगा करके बेचा जा रहा है। उपभोक्ताओं को प्याज वर्तमान में 40 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है जबकि किसानों से 1 से 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें गड़बड़ नजर आ रही है। वहीं बात करें मसालों की तो मसालों में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। धनिया, जीरा और हल्दी में अच्छी तेजी दर्ज हुई। जानकार 2022 में भी मसालों में अच्छे रिटर्न का अनुमान लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 2022 कृषि फसलों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।